हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ जो भारत के शानदार रेगिस्तान में चला करती है। दोस्तों, ये एक और जरिया है भारत को पाकिस्तान से जोड़ने के लिए। दोस्तों, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस दोनों ही अलग अलग रूटों से भारत को पाकिस्तान से जोड़ती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में भारत के रेगिस्तान में चलने वाली थार एक्सप्रेस के बारे में। थार एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन 1892 में पाकिस्तान के हैदराबाद से भारत के जोधपुर तक हुआ था। शुरुआती दिनों में इसे सिंध रेल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, थार एक्सप्रेस पाकिस्तान के कराची से लेकर कोखरापुर तक चलती है और जो भारत के भगत की कोठी से मुनाभाव तक चलती है उसे थार लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है, क्योंकि ये मेन थार एक्सप्रेस से भारतीय रूट से जोड़ती है, इसीलिए इसे थार लिंक एक्सप्रेस कहा जाता है। थार लिंक एक्सप्रेस भगत की कोठी से रात 1 बजे चलती है और मुनाबाव सुबह 7 बजे पहुंच जाती है। यात्रियों की प्रॉपर चेकिंग के बाद ट्रेन को फिर से रवाना किया जाता है और ये दोपहर 2:30 पर जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन पहुँचती है। जीरो पॉइंट रेलवे स्टेशन में फिर से एक चेकिंग के बाद ये रात 2 बजे कराची पहुँचती है। दोस्तों, इस ट्रेन के टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जाना होता है। वहाँ पे यात्रियों की वीज़ा वगैरह की चेकिंग होने के बाद ट्रेन में उनके लिए टिकट बुक कर दी जाती है। आरपीएफ द्वारा यात्रियों की पूरी जांच पड़ताल के बाद उनके लगेज की जांच होती है। लगेज की जांच के बाद यात्रियों के पासपोर्ट चेक किए जाते हैं, उनकी फ़ोटोज़ ली जाती है ताकि ये रिकॉर्ड रह सके कि कौन कौन से यात्री थार एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हैं। प्रॉपर चेकिंग के बाद यात्रियों को भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में पहुंचा दिया जाता है और थार एक्सप्रेस अपनी यात्रा को रात 1 बजे शुरू करती है। आरपीएफ की कड़ी निगरानी में यात्रियों के सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ट्रेन में आरपीएफ तैनात रहती है और पूरी रात जग करके ट्रेन के सिक्योरिटी का ख्याल रखती है। ट्रेन भगत की कोठी से चलकर बरमेर होते हुए रेगिस्तान से गुजरते हुए मुनाबाव रेलवे स्टेशन सुबह 7 बजे पहुंच जाती है। मुनाबाव रेलवे स्टेशन में यात्रियों की फिर से पुनः जांच होती है, वीज़ा पासपोर्ट की जांच, उनके लगेज को फिर से चेक किया जाता है। मुनाबाव रेलवे स्टेशन पे यात्रियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि वहाँ SBI का ATM है, यात्रियों के लगेज कैरी करने के लिए ट्रॉली बैग्स है, खाने पीने की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था और मेडिसिन की उपलब्धता भी वहाँ कराई गई है। मुनाबाव रेलवे स्टेशन से 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन तक BSF के सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी में ट्रेन 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन तक पहुंचती है और फाइनली ये 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। भगत की कोठी से मुनाबाव जाने वाली थार एक्सप्रेस का नंबर 14889 दिया गया है और रिटर्न में इसका नंबर 14890 होता है। पाकिस्तान के 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की पुनः चेकिंग की जाती है और 0 पॉइंट से ट्रेन कराची के लिए निकल जाती है। पाकिस्तान में ट्रेन का नंबर 405 अप और 406 डाउन किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच में चलने वाली समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस दोनों ही देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करने की अपनी कोशिश पूरी तरीके से निभा रही है और साथ ही साथ लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए आज भी काफ़ी प्यार है, इसीलिए ये ट्रेन कई बार बीच में बंद होने के बाद भी फिर से चलाई गई है। थार लिंक एक्सप्रेस टोटल 7 कोचेस की है, जिसमें 7 कोचेस स्लीपर के हैं और लास्ट में एक SLR कोच लगा हुआ होता है। ट्रेन को भारत का WDM-3 लोकोमोटिव भगत की कोठी से आगे की यात्रा तक लेकर जाता है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी भारतीय रेलवे का, RPF का और BSF का, जो इस ट्रेन की कड़ी सुरक्षा में अपना दिन रात एक कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो हमारी सिंध मेल या हमारी थार लिंक एक्सप्रेस के बारे में। हो सकता है मैंने कुछ गलतियां इस वीडियो में की हो, तो आप उन गलतियों को सुधारने के लिए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दे। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।